गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, इनइक्वालिटी मतलब हम जो साइन पढ़ते हैं वो, और कोडेड मतलब कुछ कोड दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट ना बोल के आप लोग को ये साइन डायरेक्ट देता था, अब क्या करेगा, डायरेक्ट ना बोल के इनको किसी सिंबल से कोड कर दिया रहेगा, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ कोड कुछ भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ग्रेटर, जहाँ पर भी कॉपीराइट लिखा रहेगा उसका मतलब ग्रेटर हो जाएगा, परसेंट लिखा रहेगा उसका मतलब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर होता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स इसमें आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स से ही ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स से कैसे सॉल्व होगा, और मैंने बोला पहले ये लिखा हुआ है, अब हम ऐसे जाएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। अगर इसी में ये साइन दिया रहा, ये तीनों को मैंने लिख लिया तो क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वही आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा, और इन तीनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। अभी ये जो बॉक्स है वो दिया हुआ है, अब इसमें आपको ये तो समझ आ गया कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल रहेगा, तो हम जैसे सॉल्व करते थे हम वैसे ही करेंगे, जो कॉमन रहता था हम उसे ले लेंगे, और जहाँ पे भी अपोजिशन वाला साइन आ गया, मतलब ग्रेटर स्मॉलर का अगर एक साथ आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, नहीं बता सकते हम, ठीक है। जहाँ पर भी ये साइन दिख गए, ठीक है, इनके साथ इक्वल अटैच हो चाहे ना अटैच हो, ठीक है, जहाँ पर भी ये साइन दिख गए मतलब आंसर नहीं आएगा, वहाँ पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अब इस सिंबल को देख के, इस बॉक्स को देख के मैं क्या बता सकती हूँ कि जब भी हम ऐसे ऐसे जाएंगे हमारा आंसर आएगा, मतलब ये रहा और ये रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, आएगा। कभी भी ऐसे ऐसे जाएंगे तो आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपोजिशन वाले साइन होगा, ठीक। और मैं ऐसे जाऊँगी तो आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे अपोजिशन वाले साइन मिल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर आएगा क्या, नहीं, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। अब हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा, ए एट द रेट बी। अब क्या किया यहाँ पे, ये ऐसे लिखा हुआ है, एट द रेट फैक्टोरियल परसेंट हैज़ डॉलर, ऐसे लिखा हुआ है। ए एट द रेट बी मतलब ए इज़ नॉट ग्रेटर, मतलब ये तीन सिम्बॉल हैं ग्रेटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर और इक्वल, ठीक है, स्मॉलर और इक्वल लिख लिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है, ए फैक्टोरियल बी, फैक्टोरियल बी मतलब क्या बोल दिया, नाइदर इक्वल नॉर ग्रेटर, मतलब इक्वल भी नहीं और ग्रेटर भी नहीं, तो क्या आ गया, स्मॉलर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए परसेंट बी, ठीक है, ए परसेंट बी, अब परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो बचा क्या, इक्वल, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख के रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा हैज़, ए हैज़ बी मतलब नॉट स्मॉलर, मतलब स्मॉलर नहीं है, तो क्या आ गया, ग्रेटर और इक्वल आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है डॉलर, डॉलर मतलब क्या बोल रहा है, ये नाइदर इक्वल हो और ना ही स्मॉलर हो, तो ये भी नहीं हो ये भी नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये तीन सिंबल लेना है, हमें बोल दिया स्मॉलर भी ना हो इक्वल भी ना हो, तो बचा क्या, ग्रेटर, तो ग्रेटर ही होगा। अभी क्या करना है, हमें अपने बॉक्स को बना लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जब भी आएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, मैंने लिख लिया ऐसे बॉक्स पे इसे, ठीक है। अभी क्या करूँगी मैं, मुझे दिख रहा है स्मॉलर इक्वल को इसने बोल दिया है एट द रेट, ठीक है, स्मॉलर को बोल दिया है इसने फैक्टोरियल, परसेंट को बोल दिया है इसने इक्वल, ठीक है, ग्रेटर इक्वल को बोल दिया इसने हैज़, और डॉलर को बोल दिया इसने ग्रेटर, ठीक है। इतना मुझे क्वेश्चन से पता चल गया। अब मैं क्या करूँगी, ये सब तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए बोला है, इसे मुझे एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, बॉक्स बनाऊँगी, और बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या करूँगी, मैं अपना इसको साइन को लिखते हुए चलूँगी, ठीक है। जो जो कोड दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये ऐसा कोड दिया रहेगा, हम इसे लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम में ऐसे बॉक्स बनाऊंगी, ये साइन बना लूँगी, फिर मैंने देखा लिखा ए एट द रेट बी मतलब
ए इज़ नॉट ग्रेटर देन मी, मतलब ग्रेटर नहीं तो क्या कि स्मॉलर इक्वल, तो मैंने यहाँ पे एट द रेट लिख लिया। ठीक है, ये मैंने आप लोग को अभी समझाने के लिए बताया था, एग्जाम में आएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे इसे बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हम हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्या दिया हुआ है, आर एट द रेट वी, यहाँ पर लिखा है आर एट द रेट वी हैज़ एल, ठीक है, फिर कॉमा दे दिया इसने, फिर दूसरी सेंटेंस क्या लिख दी, एन एट द रेट यू फैक्टोरियल एल। अब पहला कंक्लूजन बोल रहा है हमें जाना है एन से वी, एन से वी जाना है, तो एन ये रहा, वी ये रहा, ठीक है, और कॉमन क्या दिख रहा है, आर वी एल एन यू एल, मतलब एल क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो अब एन से वी जाने के लिए मैं एन से एल जाऊँगी, एल से वी जाऊँगी। ठीक है, अब मैं एल से जब एन गई, तो एन से जब एल गई तो क्या आएगा, एन से यू जाऊंगी पहले, तो ऐट द रेट, ऐट द रेट मतलब मुझे दिख रहा है स्मॉलर इक्वल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यू से एल जाना है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब स्मॉलर, तो स्मॉलर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, एल से यू जाना है मतलब वापस मुड़ना है, तो हैज़ का मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल, तो वापस मुड़ गया तो क्या आ जाएगा, स्मॉलर इक्वल। पर एग्ज़ाम में आएगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर कैसा करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे, L से V जाना है, मैंने देखा L से V गए तो क्या आ गया, मेरा हैज़ आ गया। अब हैज़ है, हैज़ का मुझे वापस से करना है मतलब इसको मोड़ देना है, तो ग्रेटर इक्वल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल। तो जब भी मुझे ऐसे दिखा हैज़, हैज़ का मैं पलट के क्या कर दूँगी, एट द रेट। ठीक है, हैज़ का पलट के क्या कर देंगे हम, एट द रेट, एट द रेट मतलब क्या है, स्मॉलर इक्वल। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और एक तो ये हो गया एकदम बेसिक से, और एक कैसे बना सकती हूँ मैं, इसमें क्या आया मेरा, स्मॉलर कॉमन आ गया, स्मॉलर कॉमन मतलब फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल दिया है क्या कंक्लूजन नंबर वन में, एन फैक्टोरियल वी, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो ये तरीका था, पर एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी एग्ज़ाम में आएगा, मैंने देखा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है मेरा, एन से जाना है मुझे वी की तरफ। ठीक है, मैंने देख लिया क्या को कॉमन मिल गया मुझे, एल और एल कॉमन मिल गया। ठीक है, एल और एल क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, एल एल कॉमन मिल गया, तो एन से एल जाऊँगी मतलब एट द रेट और फैक्टोरियल। अब मैं अपने बॉक्स को देखूँगी, एट द रेट और फैक्टोरियल में क्या आ गया, फैक्टोरियल जो कॉमन आ गया। ठीक है, अब मैं जाऊँगी वी से एल से वी, क्योंकि मुझे एन से एल, एल से वी जाना है, तो वी आई में हैज़ आया, हैज़ का क्या हो जाएगा, मुड़ के एट द रेट आ गया। अब फैक्टोरियल और एट द रेट में से क्या आएगा कॉमन, स्मॉलर, और स्मॉलर इक्वल में क्या कॉमन आएगा, स्मॉलर मतलब फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर निकल गया हमारा, हमें इसमें साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। पहले मुझे मिला एट द रेट, उसके बाद फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, एट द रेट फैक्टोरियल, उसके बाद क्या मिला, हैज़, हैज़ का अपोजिट करना है क्योंकि हम वापस उसी रास्ते मुड़ रहे हैं, तो साइन भी मुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज़ का क्या हो गया, एट द रेट। अब एट द रेट फैक्टोरियल, एट द रेट में कॉमन क्या है, स्मॉलर, और स्मॉलर इक्वल में कॉमन क्या आएगा, स्मॉलर आएगा मतलब फैक्टोरियल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने देखा कंक्लूजन में एन से वी में फैक्टोरियल मतलब क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरा कंक्लूजन को सॉल्व करती हूँ। अब कहाँ जाना है मुझे, जाना है अब आर से एन की तरफ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं देख सकती हूँ एल कॉमन है, आर से एल जाऊँगी, फिर क्या करूँगी, एन, एल से एन चली जाऊँगी, आर से एल चली जाऊँगी, फिर एल से एन चली जाऊँगी। ठीक है, अब आर से एल जाऊँगी जब मैं, तो मैंने देखा एट द रेट, उसके बाद हैज़, ठीक, एट द रेट और हैज़ देखा हमने, तो एट द रेट दिख गया मुझे। अब है सीधे सीधे रास्ते चलूँ तो ये दोनों एक साथ आ गए, और कभी भी ये दोनों साइन एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कंक्लूज़न क्या हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बता सकती मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला कंक्लूज़न हमारा सही आ गया, दूसरा कंक्लूज़न हमारा गलत आ गया, तो क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। अब चलते हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस डायग्राम को हमें फिर से ड्रॉ करना है, डॉलर हैज पर्सन फैक्टोरियल एट द रेट। ठीक है, चलिए मैंने इसको लिख लिया, डॉलर हैज़ पर्सन फैक्टोरियल एट द रेट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और ये मेरे साइन थे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा हुआ, ए एट द रेट बी,
ये मैं आप लोग को अभी समझाने के लिए लिख के दिखा रही हूँ, एग्ज़ाम में मुझे इसे भी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये रहा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंक्लूज़न क्या बोल रहा है, कहाँ जाना है मुझे, ए से पी जाना है, कॉमन सी सी दिख रहा है, मतलब ए से सी चली जाऊँगी, सी से पी चली जाऊँगी, ठीक है। ए से सी जाऊँगी तो ऐट द रेट और फैक्टोरियल मिला, ऐट द रेट फैक्टोरियल मतलब क्या कॉमन आ गया, फैक्टोरियल, ठीक है। फिर सी से पी गई परसेंट, परसेंट का कोई अकेले वैल्यू है क्या, परसेंट का मतलब बराबर है, और बराबर का कोई अकेले वैल्यू है नहीं, मतलब साइन क्या आना चाहिए मेरा, फैक्टोरियल आना चाहिए, फैक्टोरियल आ रहा है क्या, नहीं, ऐट द रेट आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, पहला कंक्लूज़न आ गया मेरा गलत। अब मैं चलती हूँ मेरे दूसरे कंक्लूज़न की तरफ। दूसरा क्या लिखा है, बी फैक्टोरियल एल, कहाँ जाना है मुझे, बी से जाना है मुझे एल की तरफ, ठीक है। बी से एल जाऊँगी मतलब बी से सी चली जाती हूँ, सी से एल चली जाऊँगी, ठीक है। अब मैं बी से सी गई फैक्टोरियल मिल गया, सी से पी गई परसेंट मिल गया, पी से एल गई। अब देखो परसेंट, परसेंट का कुछ बदल सकता है क्या साइन, बराबर तो बराबर है, चाहे आप इधर से लो चाहे आप इधर से लो, ठीक है। तो बराबर का साइन नहीं बदलेगा, तो मैंने नहीं बदला। अब मैं वापस मुड़ रही हूँ तो हैज़ आ रहा है, हैज़ का साइन बदल जाएगा क्योंकि वापस उसी रस्ते मुड़ रही हूँ, तो हैज़ का मुड़ के क्या हो जाएगा, ऐट द रेट। अब मुझे देखना है फैक्टोरियल परसेंट ऐट द रेट में क्या कॉमन मिल सकता है, फैक्टोरियल परसेंट और ऐट द रेट ये तीन है, मतलब क्या कॉमन मिलेगा, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन मिला मुझे, ये स्मॉलर, ठीक है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल में क्या मिल गया मुझे, स्मॉलर, ठीक है। ये कॉमन मिल गया, मतलब क्या कॉमन मिल रहा है, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल एट द रेट परसेंट में क्या मिला मुझे, फैक्टोरियल, और ऑप्शन में फैक्टोरियल है क्या, कंक्लूजन में है, बी फैक्टोरियल एल है, और मेरा भी बी फैक्टोरियल एल आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। पहला कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है, सिर्फ कोड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, और डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे डायग्राम से कितनी जल्दी हमारे इस बॉक्स से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। इस बॉक्स को हम ड्रॉ कर लेंगे, डॉलर हैज़ परसेंट कॉपी एड फैक्टोरियल और एट द रेट, ठीक है। डॉलर हैज़ परसेंट फैक्टोरियल और ये एट द रेट, ठीक है। ये साइन थे हमारे, ये लिख लिया मैंने, और ये रहा स्टेटमेंट क्या लिखा है, आर एट द रेट क्यू, फिर पी हैज़ क्यू, फिर एल हैज़ एल परसेंट पी। अब मुझे जाना है आर से पी, मैं चली गई आर से पी, आर से क्यू चली जाऊंगी, क्यू से पी चली जाऊंगी, ठीक है। आर से क्यू गई तो ऐट द रेट मिला, क्यू से पी गई तो क्या मिला, हैज़, और वापस मुड़ रही हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा, हैज़ का क्या आ जाएगा, ऐट द रेट, तो ऐट द रेट, ऐट द रेट में क्या मिला मुझे, ऐट द रेट, और ऐट द रेट मिल रहा है क्या, आर ऐट द रेट पी लिखा है, मतलब बिल्कुल क्या आ गया, ये सही आ गया, ठीक है। अब कहाँ जाना है मुझे, दूसरे कंक्लूजन में क्या लिखा है, मुझे जाना है क्यू से एल की तरफ, ठीक है। अब मैं क्यू से आर जाऊंगी तो आर से एल जा सकती हूँ क्या, नहीं, तो मैं क्या करूँगी, क्यू से पी चली जाऊँगी, पी से एल चली जाऊँगी, ठीक है। मतलब दोनों क्या हो रहा है, वापस मुड़ रहा है, क्यू से पी गई, हैज़, हैज़ का अपोजिट क्या आ जाएगा, वापस मुड़ के एट द रेट, ठीक है। अब पी से एल जाना है परसेंट, परसेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है अकेले में, ठीक है, तो ऐट द रेट आना चाहिए, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्यू ऐट द रेट एल, क्यू ऐट द रेट एल, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, तो पहला कंक्लूजन भी सही है, दूसरा भी सही है, मतलब बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे चौथे स्टेटमेंट की तरफ। चौथा स्टेटमेंट क्या है, ये बॉक्स बना लिया हमने, ये डॉलर, ये हैज़ था, ये क्या था, परसेंट था, हाँ, और ये फैक्टोरियल, ये एट द रेट था, ठीक है, ये इक्वल था, ये ऐसा था। अब क्या करेंगे हम, आर, अब कहाँ जाना है, एन से वी जाना है, वी से एच, फिर एल से सी, सी से यू, यू से वी, ऐसा हमारा स्टेटमेंट लिखा है, मैं इसे लिख लेती हूँ। एग्ज़ाम में हमें नहीं लिखना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए केवल लिख रही हूँ, ठीक है। यू हैज़ वी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। अब क्या करना है, मुझे पहला कंक्लूज़न बोल रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, एल से जाना है वी की तरफ, एल से वी, एल ये रहा कॉमन क्या, एन वी एच, एल सी यू वी, वी ही है, वी तो चली जा सकती हूँ, एल से वी क्या आएगा, फैक्टोरियल परसेंट, फैक्टोरियल और परसेंट, और उसके बाद हैज़, ठीक है, सीधे सीधे जा रही हूँ, फैक्टोरियल ले ली, परसेंट ले ली,
फैक्टोरियल ले ली, परसेंट ले ली, ठीक यहाँ तक का तो बात बिल्कुल सही है, पर फिर एल से सी, सी से यू, यू से वी जाने मुझे हैज़ पड़ गया, तो हैज़ का हैज़ आ जाएगा। अब क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अब मैं सीधे रास्ते ही जा रही हूँ, तो नहीं बदलेगा। तो कभी भी फैक्टोरियल और हैज़ एक साथ आ सकते हैं क्या? फैक्टोरियल और हैज़ मतलब ये और ये कभी भी आ सकते हैं कि एक साथ? नहीं। तो हम बता सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मतलब पहला कंक्लूज़न क्या आ गया? गलत आ गया। ठीक है, इतनी बताई समझ में। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे कंक्लूज़न की तरफ। दूसरा कंक्लूज़न क्या बोल रहा है? एल से जाना है वी, फिर वही जाना है एल से वी, फिर एल से सी, सी से यू, सी से वी, यू से वी, मतलब ये दोनों में, फिर ये क्या आ गया? गलत आ जाएगा। ये दोनों स्मॉलर और ग्रेटर इक्वल दोनों आएगा क्या साथ में? नहीं। मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब जब दोनों कंक्लूज़न क्या आ गए मेरे? गलत आ गए, तो अब कौन सा ऑप्शन होगा? या तो थ्री होगा या तो फोर होगा, मतलब या तो आइदर और आएगा या तो नाइदर नोर आएगा। ठीक है, दोनों कंक्लूज़न गलत, तो अब मेरा दिमाग कहाँ दौड़ेगा? क्या करेक्टर सेम है? तो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं कंक्लूज़न में एल और वी, एल और वी। अब यहाँ पे दिया है एट द रेट, यहाँ पे दिया हैज़, मैंने देख लिया मेरे का दोनों कंक्लूज़न गलत है, तो मेरा दिमाग दौड़ेगा क्या आइदर आएगा कि नाइदर आएगा। तो सबसे पहले मैं चलूँगी आइदर चेक करने, आइदर चेक करने चली जब मैं, तो दोनों कंक्लूज़न गलत, पहली कंडीशन बिल्कुल फॉलो कर रही है, दूसरी कंडीशन क्या है कि करेक्टर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन भी फॉलो करी। अब तीसरी क्या कर रही है? ऐट द रेट और हैज़ चाहिए। ऐट द रेट मतलब क्या है? स्मॉलर, आप देख सकते हैं बॉक्स है, और हैज़ मतलब क्या है? ग्रेटर और इक्वल, मतलब एल स्मॉलर है वी से, एल क्या है? ग्रेटर इक्वल है वी के, एल की तरफ छोटा भी है, एल की तरफ बड़ा भी है, एल की तरफ बराबर भी है। ठीक है, मतलब क्या है? दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? तीनों कंडीशन क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। दोनों कंक्लूज़न गलत है, करेक्टर क्या है? सेम है, और साइन भी क्या है? तीनों है, मतलब क्या है? आइदर और को फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम हमारे लास्ट कंक्लूज़न की तरफ, ठीक, इस स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, डॉलर था, हैज था, परसेंट था, और ये क्या था? फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऐट द रेट। ठीक है, इतना लिखा हुआ था हमें। अब चलते हैं हम हमारे पांचवे स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है? n ऐट द रेट क्यू फैक्टोरियल h, फिर आ जाएगा s परसेंट v हैज क्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब क्या करना है हमें? n से v जाना है, तो कहाँ से जाऊँगी मैं n से v? n ये रहा, v ये रहा, कॉमन क्या है? n q h s v q, मतलब q और q क्या है? कॉमन है। तो जब मैं क्या करूँगी? n से v जाऊँगी, तो n से q चली जाती हूँ, फिर q से v चली जाऊँगी। ठीक है, n से q गई तो मिला एट द रेट, अब q से v वापस उसी रास्ते जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल का क्या हो जाएगा? स्मॉलर इक्वल, मतलब हैज़ का क्या हो जाएगा? ऐट द रेट। अब ऐट द रेट है, तो दोनों में कॉमन क्या है? सेम है दोनों, तो क्या आ जाएगा आंसर? ऐट द रेट। कंक्लूजन में ऐट द रेट है क्या? बिल्कुल है। एन ऐट द रेट वी ही बोला, मतलब क्या है? बिल्कुल सही है। कंक्लूजन वन क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? एस फैक्टोरियल क्यू। ठीक है, एस से जाना है हमें क्यू की तरफ, तो जब मैं एस से क्यू जाऊँगी, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे परसेंट है। परसेंट का कोई अकेले मतलब है क्या? नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि परसेंट मतलब इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल का मतलब है क्या? नहीं, परसेंट से लेना देना नहीं है। अब क्या आ गया? एस से वी परसेंट आया, वी से क्यू क्या आ गया? हैज़ आ गया। ठीक है, तो परसेंट और हैज़ में क्या कॉमन आ जाएगा? परसेंट, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो हैज़ का मतलब क्या आ गया? ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल मतलब हैज़ आना चाहिए, हैज़ है क्या? नहीं है। क्या आ रहा है? फैक्टोरियल बोल रहा है हमें, तो कंक्लूज़न में है, जबकि आना क्या चाहिए हमारा? हैज़ आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला कंक्लूज़न तो फॉलो कर रहा है, पर दूसरा कंक्लूज़न फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा नहीं, तो क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूज़न इज़ फॉलोज। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। ये क्या रहता है? सिर्फ एक बॉक्स रहता है, उसमें हमें ये ड्रॉ कर लिया करना पड़ता है, और उसके बाद जो जो बोला रहता है हमें वैसे वैसे सिंबल लिख देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे सिंबल लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं हम? जो स्टेटमेंट रहता है और जो कंक्लूज़न रहता है, उससे हम देख के जैसे हम नॉर्मली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी में बस इसी टाइप का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मैंने आप लोग को ये समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा।
अब हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर आज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी में जितने क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन भी आगे और पीछे नहीं पूछा जाएगा। जितने जितने टाइप के बन सकते थे क्वेश्चन मैंने हर टाइप के आप लोगों को सिखा दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसकी नोट्स बनाते होंगे और नोट्स में इसे लिख के रखते होंगे। ठीक है, हम यहाँ अपने सेशन को एंड करते हैं, कल हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।